मौसम और बीमारी की मार से बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल पर अब राजनीति शुरू हो गई है। रतलाम में आज कांग्रेसी सैकड़ों किसानों के साथ सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की। देखें ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसान बेहद चिंतित है। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों के मुआवजे को लेकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रतलाम में आज कांग्रेस सैकड़ों किसानों के साथ सड़कों पर उतरी और प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों का हंगामा भी देखने को मिला। कलेक्टर के ज्ञापन लेने नहीं आने पर कांग्रेसी नेता भड़क गए और पुराने कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए। विधायक कांतिलाल भूरिया और हर्ष विजय गहलोत ने कार्यकर्ताओं के साथ SDM के सामने ही धरना दे दिया। मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार कुंभकर्ण के निंदे सो रही है, उसको जगाने के लिए हमने कई पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और सबको कि झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है और उसमें सारी फसलें चौपट हो गई है। किसानों का आज खाने का अनाज नहीं, इसी परिस्थिति में आज सारी फसल, मैंने सोयाबीन भी पीली बीमारी आई, उसमें पीताम्बर बीमारी, इससे सारी फसलें चौपट। मक्का में इली जबर पड़ी, मक्का ख़त्म, आपके उड़द ख़त्म, आपके टमाटर की फसल खत्म, सब किसान रो रहा है। इस बात को लेकर समय समय पे हम सरकार को आगाह करते रहे मगर सरकार ने एक भी नहीं सुना। आज मैंने उस पूरे जिले के हमारे किसान भाई आज आए सोयाबीन की फसल लेके और उसको आज तक ने उनकी कोई जॉब नहीं मिल रहा। कौन कंपनी लेगी, कौन सर्वे करेगा, ये सारी कोई अभी दिशाहीन सरकार चल रही है। इस सरकार को सही दिशा दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें सारा कर्जा माफ़ किया था, हर तरह किसानों को विश्वास दिलाया था, किसान भरोसे में था। पर सरकार जाने के बाद, खरीद फरोख करने के बाद, अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही, भाजपा मस्त हो गई और लोगों की समस्या सुन नहीं रही। इस बात को लेकर आज हमारे सभी किसान, हमारे कांग्रेस के सभी नेता, जनप्रतिनिधि, हम लोग सब आज आकर कलेक्टर के माध्यम से, हम लोग महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन दिया है कि तत्काल सुनिश्चित करें, सर्वे टीम भेजें और भारत सरकार मुआवजा के लिए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। नहीं तो मुख्यमंत्री अपने शिवराज कहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया मैं दे रहा हूँ, वो 20 लाख करोड़ कहाँ गया? और हर तरह से मैंने उन्हें लालच देके पर किसानों के जेब में एक पैसा नहीं आ रहा। ये सब धोखा देना बंद करें और कि हर किसान को न्याय मिले, ये मांग के लिए हमें आज ज्ञापन हमने सौंपा है।